परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा भविष्य के हालात को देखकर करेंगे फैसला। पोखरण में बोले, अभी तक परमाणु ताकत के इस्तेमाल को लेकर नो फर्स्ट यूज की रही है भारत की नीति। जम्मू कश्मीर के 22 में से 12 जिलों में सामान्य रूप से हो रहा है कामकाज, सिर्फ 5 जिलों में है सीमित पाबंदियां। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने दी जानकारी, कहा घाटी में सोमवार से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की यात्रा पर कल सुबह होंगे रवाना। यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर के अलावा नई परियोजनाओं का होगा उद्घाटन। एजेंडे में सुरक्षा मामलों के अलावा जल विद्युत उत्पादन प्रमुख। मानवता और सहिष्णुता के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने सिखाई निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर केंद्र में अटल के चित्र के अनावरण पर बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। दिल्ली में अटल स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने पहली पुण्यतिथि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और एशियाई और कॉमनवेल्थ चैंपियन पहलवान बजरंग पूनिया को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार पाने वाले होंगे 4थे पहलवान। रवि शास्त्री लगातार दूसरी बार चुने गए टीम इंडिया के हेड कोच, 2021 तक संभालेंगे जिम्मेदारी।